पंजाब के निकाय मंत्री अनिल जोशी ने जलंधर में चंदन नगर अंडरब्रिज का उद्घाटन किया। 2 वर्षों में बनकर तैयार हुए इस अंडरब्रिज पर 45 करोड़ रुपए की लागत आई। इस ब्रिज के बनने से इंडस्ट्रियल एरिया व दर्जनों अन्य इलाकों के हजारों लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिली। यहाँ से रोजाना 100 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, जिसके कारण अधिकांश समय फाटक बंद रहता था। अंडरब्रिज का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने करना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे आ नहीं सके। इस अवसर पर अनिल जोशी ने कहा कि जो काम कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई वो भाजपा अकाली दल ने कर दिखाया है। जलंधर से परमजीत के साथ बिक्की कंबोज। जलंधर वासियों को बहुत बहुत मुबारक है। 2 हिस्सों च शहर वंडिया सी ते भंडारी साहब दे अफड़ ने इक करता, लोगों दी बहुत सारी समस्यावां उन्होंने दूर कर दियां। कदों दा इह अंडरब्रिज बनने की जरूरत सी, किन्ने चिर दे लोग मुश्किल चल रहे सी पर किसी ने हिम्मत नहीं की। मुल्क नूं 70 साल आजादी हो गया, 10 सालों तो MLA बने हैं केडी भंडारी, पर 10 साल ही उन्होंने एफर्ट किया वास्ते। तो मैं भी समझदा वहां कि लोग उन्हां दी इस देण नूं भुलाउणगे नहीं, तो जिन्ना प्यार अज लोगों ने दिता सारे शहर दे उन्होंने, मैं भी समझदा कि तीसरी बारी भी उन्होंने नुमाइंदगी मोहर लाई लोगों ने, आने वाली इलैक्शन भी उन्होंने पूरे बहुमत न केडी भंडारी जी ने जिता जा रहा है। तो मैं भी वधाई दिना कि केडी भंडारी जी इस जलंधर नॉर्थ के MLA ने, यहोजे MLA भी भागा ना मिलते हैं। तो मैं समझा कि लोग अपनी सियानी सोच के नाल इन्हों संभाल के रखेंगे। जोशी जी, एक जोशी जी अपने कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जोड़े रिजर्वेशन है अपने बिलो कैटेगरी वाले जिन्हें रकम घट हैगी है उन्होंने रिजर्वेशन भी दी जाएगी। देखो अज तो उन्होंने जोड़ा वा ना सारिया चीज़ा तो चलदिया रिंदियाँ, असी कभी कोई ये नहीं है भी असी किसी चीज़ को डिनाई करते हैं। अज तो उन्होंने बधाई देनी चाहिए जलंधर वासियों को, केडी भंडारी कांग्रेसियों भी उन्होंने जोड़ा अज 60 सालों नहीं जोड़ा काम करता वो केडी भंडारी जी ने करता।